बराबर होता है लासा गुणे मासा, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होगा। अब उदाहरण के लिए आप एक सवाल लीजिएगा, दस व बारह का लासा व मासा ज्ञात कर ये कि लासा गुणे मासा गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ठीक है। अब इसको लगाएंगे, पहले हम 10 और 12 का लासा निकालेंगे, उसके बाद 10 और 12 का मासा निकालेंगे, फिर हम चेक करके देखेंगे लासा और मासा का गुणनफल हमारी संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर आता है या नहीं आता है।